का आज लेक्चर चलेगा, लिखवाया आपका प्री के लिए, कल जाएगा। आज मुख्य रूप से आपका समझने का प्रयास करिए। बैठिए। देखिए अब जो आपका जीएस में, बैठिए भाई जल्दी। देखिए जो जीएस में आपका 9 माइनर एक्ट आपका जो जुड़े हुए हैं, उनमें से आपका पहला ये प्री में भी हैं और मेंस में भी जोड़े गए हैं, यानी कि जो अब जीएस का एरिया है वो थोड़ा व्यापक हो गया है। ये जो 9 कानून हैं आपका, हो सकता है इसमें आपका 2 या 3 क्वेश्चन एक एक कानून से बने, यानी कि 30 क्वेश्चन लगभग हमारे अनुसार, अब आयोग जितना बनाए, आपका 25 से 30 क्वेश्चन हमारे अनुसार इससे बनने के चांस हैं। अधिक भी बन सकता है, कम भी, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो उसमें चूंकि आपका ये ला में ही पढ़ना है, भले आपका क्वेश्चन जीएस में आए, तो उसमें 9 जो एक्ट हैं उसमें से हम पहला एक्ट शुरू कर रहे हैं आपका, द डावरी प्रोविजन एक्ट 1961, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो डावरी है क्या, दहेज है क्या, और आपका तमाम छोटी छोटी जो बातें हैं शुरुआती दौर में आपका बताई जाती हैं, और तब सेक्शन वाइज शुरू किया जाएगा। देखिए आपका, क्योंकि आपका बिहार एपीओ के लिए भी ये कानून आपका पढ़ाया गया था, वैसे बिहार एपीओ के लिए 2 बार पढ़ाया जा चुका है, एक बार मैंने पहले पढ़ाया गया था, उसके बाद बिहार एपीओ 1 साल के लिए टल गई, तो फिर दोबारा भी हमने बिहार एपीओ में पढ़ाया था, लेकिन वह प्री के लिए नहीं चला था, स्पेशली मेंस के लिए चलाया गया था, और 7-8 क्वेश्चन मेंस के लिए लिखवाया गया था। तो हमें लगता है कि जो सेकंड बार लिख आपका पढ़ाया गया वो पहली बार से थोड़ा अच्छा आपका लेक्चर है, लेकिन अब हमें प्री के लिए भी पढ़ाना है और मेंस के लिए भी, क्योंकि जीएस के पोर्शन में मेंस में है और आपका जीएस के ही पोर्शन में प्री में भी आएगा। तो पहले तो ये देखा जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1861 बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, और ये कानून तब छोटी छोटी बातें देखी जाए। अब इसका दहेज यानी कि डावरी, इसको पहले तो कोरिलेट कर लिया जाए और तब आवश्यकता बताई जाए। जब भी ये कानून पढ़िए तो थोड़ा एरिया कवर किए रहिएगा, जो ये कानून आप पढ़ेंगे तो आईपीसी की धारा 304B पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद एविडेंस की धारा 113B पढ़ना पड़ेगा, फिर मुस्लिम विधि में मेहर भी पढ़ना पड़ेगा, जो डावर होता है यानी कि मुस्लिम विधि में मेहर पढ़ना पड़ेगा। फिर जब भी ये कानून पढ़िए तो संविधान का अनुच्छेद 107, 108 और 111 पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका 1961 का कानून, और इसमें आपका सेक्शन भी पूछ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो वह आपका कुल धाराएं आपका 10 है, यानी कि 10 धाराएं ही जानना है। लेकिन शुरुआती दौर से चला जाए, देखिए प्राचीन काल में जब मैरिज या विवाह होता था तो ऐसी दशा में
आपका कह सकते हैं कि कन्यादान को ही दहेज माना जाता था, यानी कि जब कन्या का पिता किसी सुयोग्य वर को अपनी कन्या गिफ्ट या हिबा या दान में दे देता था तो दुल्हन ही दहेज है ये माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे आपका समाज का जो रूप है परिवर्तित हुआ और लोग विवाह में आपकी दहेज की मांग करने लगे, पैसा रुपया संपत्ति धन की मांग करने लगे। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी ये समस्या विकट समस्या बनी हुई है आपका, और देख ही रहे हैं आपका कि दहेज का आपका कितना प्रभाव समाज पर पड़ा है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन उठाना है कि इस कानून का पहले निर्माण कराया जाए, फिर आपका अन्य जगहों से जितना कोरिलेशन है जुरिस्प्रूडेंस में भी कोरिलेट करना पड़ेगा, जो हम मैंने विचारधारा शुरू किए हैं समाजशास्त्री, एक उसमें भी कोरिलेशन लिख लिया जाए कौन सी विचारधारा से समाजशास्त्री। पहले इसका निर्माण देखिए हम कराते हैं भाई आपका, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे पहले हम इसका आपका निर्माण कराते हैं, फिर मुख्य उद्देश्य आपका बताते हैं और फिर अन्य बातें बताएंगे। देखिए क्योंकि दहेज एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को समाज में जागृत लाकर ही तोड़ा जा सकता है, कानून बनाकर नहीं। कानून तो बनाया गया, दहेज लेना और देना दोनों को प्रतिषिद्ध किया गया, तो पहला क्वेश्चन बना कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य क्या है, दहेज लेने को प्रतिषिद्ध करना, दहेज देना प्रतिषिद्ध करना, दोनों इनमें से कोई नहीं, पहला क्वेश्चन। तो क्या मार्क कराएंगे, यानी कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों को प्रोविटेट करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य, ये हम नहीं प्रियम्बल ही बताएगा। देखिए आपका शुरुआती दौर में ही लिखा है कि दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रोविटेड या रोकने के लिए क्या कानून, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए दहेज की परिभाषा इत्यादि को लेकर आपका लोकसभा तथा हमारे राज्यसभा में विवाद उत्पन्न हो गया था। अब पहले तो कानून कैसे बनता है ये देखा जाए, कानून की बनाने की प्रक्रिया देखिए और तब आपका ये कानून कैसे बना तब समझा जाए। अनुच्छेद 107 के तहत किसी भी सदन में एक विधेयक या बिल या मसौदा या कानून का प्रारूप पेश किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया गया तो लोकसभा उस पर तीन वाचन होते हैं, विधेयक के तीन स्टेप होते हैं। पहले तो लोकसभा में पूरा विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया और जितने सांसद हैं सबको एक एक कॉपी उसकी दे दी गई, सबको दी जाती है। उसके बाद कुछ समय दिया जाता है कि इस कानून को आप पढ़िए घर पर और जो जो इसमें कमियां हैं, अब सेकंड जो वाचन होगा उसमें विचार विमर्श होगा, यानी कि एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम होगा, तो ये सेकंड वाचन हो जाता है। और तीसरे वाचन में यस या नो यानी कि केवल वोटिंग होती है। तो पहला वाचन हो गया प्रस्तुत करना विधेयक को, दूसरा विधेयक पर आपका बहस करना सांसदों के बीच सदन के अंदर, और तीसरा उसे पास करना। तो संविधान का कितना वाचन हुआ था, तीन। संविधान पहले प्रस्तुत किया गया एक मॉडल, सभी संविधान सभा के सदस्यों को एक एक कॉपी दे दी गई, फिर आपका दूसरा जो बैठक हुई उसमें सेकेंड वाचन कहा जाता है, संविधान का पोस्टमार्टम कहिए, चीड़फाड़ कहिए,
यानी कि संविधान के एक एक शब्दों पर संविधान सभा में क्या हुई बहस, इसी में समय लगता है बहस में। और तीसरे में तो यस या नो, कितने कितने हाँ में है और कितने नो में। तो सेकंड संविधान का भी कितना वाचन हुआ था, तीन। सबसे लंबा वाचन कौन चला, तो बीच वाला जो वाचन रहता है वही सबसे लंबा चलता है, क्योंकि उसमें संसद में जोरदार क्या होती है, पक्ष विपक्ष में बस। तो कम से कम इतना याद रखिए, आगे बढ़िए। तत्पश्चात आपका तीन वाचन होते हैं। जब लोकसभा किसी विधेयक को पास कर देती है तो वह राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा भी पास कर दे तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर देता है तब वह विधेयक अब बिल न रहकर एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वह विधेयक अधिनियम या कोड, यानी कि संहिता है तो संहिता और एक्ट है तो अधिनियम कहलाता है। तो जब तक राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उस बिल पर अपनी एसेंट न दे दे तब तक वह बिल एक्ट या कोड में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे हिंदू लॉ की धारा 7, जब तक कि सातवां फेरा पूरा न हो जाए तब तक विवाह पूर्ण नहीं, उसी प्रकार तब तक कोई एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान न कर दे। ये सामान्य कानून बनाने का पहला तरीका है। दूसरा आप खोजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया या राज्यसभा, जो भी हो, एक ही लेकर हम चलते हैं, लोकसभा ने विधेयक पास कर दिया, वह विधेयक राज्यसभा को भेजा गया, राज्यसभा लोकसभा के विचार से सहमत नहीं है, तो राज्यसभा ने संशोधन करके पास कर दिया, फिर लोकसभा संशोधन की, या राज्यसभा लोकसभा से सहमत ही नहीं है, पास ही नहीं की, या पास नहीं हो पाया, या वैसे ही पड़ा हुआ है। अब क्या किया जाए, एक सदन ने तो पास कर दिया और दूसरा सदन आना कानी कर रहा है। ऐसी दशा में एक उपाय हमारा संविधान करता है और वह है लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक, या एक साथ दोनों को मिलाकर बैठक। फिर एक बार देखिए, यदि कोई विधेयक एक सदन ने पास कर दिया, दूसरा सदन पास नहीं किया, या पूरी तरह स्वीकार नहीं है उसे वह विधेयक, दोनों में मतभेद हैं, तो आपका एक तो समितियां बनाकर मतभेद सुलझाया जाता है और समिति के भी बस का नहीं है तो एक उपाय सरकार के पास है, वह आपका क्या बुलाए, तो ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है, आपका 108। अब यही दो तीन टेक्निकल भी संविधान का क्वेश्चन देखिए। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, पहला क्वेश्चन, तो भारत का राष्ट्रपति, याद रखिए, कौन बुलाता है, स्वयं के विवेक पर बुलाता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अभी बताया गया, स्वयं के विवेक पर नहीं, किसकी सहायता पर, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद। दूसरा क्वेश्चन, अगर ज्वाइंट सीटिंग बुला ली गई है तो अगर ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष न रहे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और वो भी न रहे तो तुरंत आपका अध्यक्ष चुना जाएगा किसी को जो वहाँ अध्यक्ष का काम करेगा, तुरंत चुना जाएगा, एक आपका दो चार मिनट में वोटिंग करके क्या किया जाएगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष वो न रहे तो आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष कभी भी राज्यसभा का सभापति या उपसभापति न मारिएगा, क्योंकि ये लोग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। अगला, अगर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ने बुला लिया
और इसी बीच लोकसभा का डिजोल्यूशन हो गया, लोकसभा भंग हो गई, तो क्या संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी? तो भले लोकसभा भंग हो जाए लेकिन संयुक्त बैठक होगी और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सांसद एक जगह बैठकर मतदान करेंगे, चर्चा करेंगे। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक इसलिए बुलाती है सरकार कि अगर लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है, राज्यसभा में उसे बहुमत प्राप्त ही नहीं है, तो लोकसभा तो कई कानून पास कर दी और राज्यसभा पास ही नहीं कर पा रही है, तो संख्या बल देखिए कैसे आपका होगा। लोकसभा में आपका 550 और राज्यसभा में कितना, 250। तो लोकसभा तो 300-400 वोट से पास कर रहे हैं विधेयक और राज्यसभा वाले गिरा दे रहे हैं, यानी कि पक्ष में मान लीजिए 50 वोट और आपका 150 वोट विरोध में पड़ जा रहा है। तो सर अब आपका तो जो संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लास 3 कल हम बताएंगे, इसको भी जोड़कर बताएंगे कि अगर सरकार राज्यसभा में हार जाती है तो उसकी सेहत पर कोई प्रभाव, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, यानी कि जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब देखिए, तो ऐसी दशा में अब संयुक्त बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि उसमें पलड़ा किसका भारी रहेगा? लोकसभा का। और कितने आपका सांसद हो गए? तो 800 सांसद हो गए। तो कोई विधेयक पास करना है तो 400+1 यानी कि 401 सांसद अगर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वह विधेयक अब क्या होगा? पास। तो संयुक्त बैठक आपका बुला सकता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य एक जगह बैठते हैं, संयुक्त बैठक में माने बहस होती है, बहस के बाद सभी लोग वोटिंग करते हैं। अब अलग अलग ना मार दीजिएगा कि लोकसभा अलग वोटिंग, राज्यसभा अलग, दोनों की वोटिंग एक रहती है और बहुमत से आपका फैसला लिया जाता है। तो पलड़ा अब किसका यहाँ संयुक्त बैठक में भारी दिख रहा है, यानी कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ 250 और कहाँ दूना कितना, 500। तो अगर उधर 401 सांसद लोकसभा के पक्ष में मत दे दें और सभी राज्यसभा के सांसद विरोध में हो, तब भी सरकार उस विधेयक को क्या करा देगी? पास। इसी उद्देश्य से आपका ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। तो जो ये दहेज प्रतिषेध, हाँ ज्वाइंट सीटिंग के बाद एक लाइन और तब आपका इस कानून पर आ जाए, जो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, ये इतिहास में सर्वप्रथम अनुच्छेद 108 का यूज किया गया और इसी कानून को पास करने के लिए भारत में सर्वप्रथम अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेटिंग यानी कि संयुक्त बैठक आहूत की गई थी, बुलाई गई थी। तो सर्वप्रथम संयुक्त बैठक किस कानून को पास करने के लिए बुलाई गई? तो क्या मार कराएंगे? द डावरी प्रोविजन एक्ट 1961, ये याद रखिए। अब संयुक्त बैठक में जब दोनों सदन एक साथ समवेत होकर पास कर दिए तो राष्ट्रपति, चूंकि संसद का अभिन्न अंग है, तो अनुच्छेद 111 के तहत संयुक्त बैठक में जो विधेयक पास हुआ उस पर राष्ट्रपति जब किस अनुच्छेद के तहत 111 के तहत साइन कर देंगे, अपनी सील या मुद्रा मार देंगे, क्रम संख्या लिख देंगे, डेट डाल देंगे, तो उस वह विधेयक अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में। और जिस तारीख को राष्ट्रपति अपना साइन करते हैं वही उस कानून के निर्माण की तिथि रहती है। और इस कानून के निर्माण की तिथि, अब आइए कंसेप्ट आगे बनाइए, जो कानून के निर्माण की तिथि होती है ऊपर दाहिने बगल बेयर एक्ट में दी गई रहती है, इसमें भी दिया है 20 मई आपका 1961, यानी कि 20 मई 1961 को
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपनी एसेंट इस विधेयक पर दे दिया। यही तारीख इस कानून के निर्माण की क्या होती है? तारीख। अब निर्माण के बाद कानून लागू किया जाता है, तो लागू कब किया गया पूछ सकता है, तो 1 जुलाई 1961 को अलग बताया जाएगा। पहले निर्माण की तिथि जानिए, जब ये पहले कोरिलेशन हो जाए भाई तब सामान्य बातें तो बताई ही जाएगी, लेकिन जब ये आप कानून पढ़िए तो पहले तो ज्वाइंट सीटिंग से पास हुआ ये जानिए, दूसरा ये जानिए कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों को इस कानून के तहत पनिश किया गया है, दंडनीय बनाया गया है, जो दहेज देता है और जो दहेज क्या करता है लेता है। और इसी मुख्य उद्देश्य कानून का है कि इस प्रथा बुराई की को क्या किया जाए, रोका जाए। लेकिन आज तक रोका नहीं जा सका, क्यों नहीं? अब थोड़ा जुरिस्प्रूडेंशियल भी से देखें, अभी तो हम कानून बनाए, आगे हम डिटेल में चलेंगे कल। आज एक सामान्य बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें है क्या। देखिए, आपका विधि शास्त्री एंगल से दूसरा एंगल देखना है। समाज शास्त्री विचारधारा वालों का ये मत है कि आप जो भी कानून बनाइए, अब ये भी देखिए कि क्या वह कानून समाज में लागू हो रहा है, यानी कि क्या समाज के लोग उन कानूनों का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कानून की कमियों को खोजिए और ऐसा बदलाव लाइए कि जो बातें कानून में लिखी गई हैं समाज में उनका क्या हो, पालन। इसका उत्तम उदाहरण आपका डाउरी एक्ट है कि कानून दहेज लेना और दहेज देना दोनों को रोकता है। लेकिन अगर हम सामाजिक बातें देखें, समाज की बातें देखें, तो समाज में इस कानून का कोई महत्व जल्दी दिखाई नहीं देता। जो जितना बड़ा है उतना सुरसा जैसे मुंह खोलता है, जो जितने बड़े पद पर पहुंच गया उतना उसको क्या चाहिए, धन चाहिए। यानी कि आपका बाप माने धन चाहिए आपका, तमाम लोग तो शादियां भी टूट जा रही हैं, तमाम लोग मुंह कूड़ा जैसे फुला देते हैं कि फटफटिया चाहिए, बुलेट चाहिए, नहीं तो जयमाल ही नहीं डालेंगे, ये सोने की अंगूठी हमें चाहिए, हीरे की, नहीं तो सातवां फेरे से ही छोड़कर हम क्या करेंगे, कोई बहाना बनाकर क्या करेंगे, भाग जाएंगे, कोई भरोसा है? जब तक सातवां फेरा पूरा न हो जाए, विवाह पूर्ण हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं बता दूं केवल आपका, क्योंकि कई ऐसे कांड हुए कि आपका 6 फेरा हुआ था तब तक आपका एक आया पिस्टल लहराते हुए और दुल्हन को लेकर मंडप से क्या हुआ, जैसे फिल्मों में देखते हैं, तमाम ऐसे कांड हुए। तो कई जगह हुए कि दूल्हे को ही लेकर घोड़ा ही भाग गया, घोड़ी, आपका तमाम ऐसे कांड होते हैं, उससे वो तो सामाजिक हैं। तो समाजशास्त्री विचारधारा वाले ये कहते हैं कि दहेज कानून समाज में पालन क्यों नहीं हो रहा है, आप कारण खोजिए, इसका निवारण करिए, ताकि लोग इस कानून का क्या करें, पालन। समस्या सामाजिक ये है कि तमाम जगह आपका इस बुराई को रोकने के लिए पहल की जाती है, आपका कुछ लोग पहल भी करते हैं, लेकिन जो आपका समाज का मुंह है उसको कैसे बंद किया जाए। अगर कोई लड़का ये कहे कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे तो समाज के लोग देखिए क्या कहेंगे, जरूर कुछ न कुछ बाहरी या अंदरूनी कमी होगी, तभी ये दहेज नहीं मांग रहा है, नहीं तो इतना बड़ा पद पर करोड़ों मिल जाता, लाखों तो जे में बन जाएंगे, तो 50 लाख से कम में शादी नहीं होगी। ये इतिहास गवाह है, करोड़ों मिल सकता है दहेज आपका, लेकिन कम से कम आपका 50 लाख तो रखा है, और जो शादी करने आएगा वो मान कर आएगा कि हमारी हैसियत 50 लाख से ऊपर है, तभी मैंने कुल 4 व्हीलर और नगद लेकर बताया जा रहा है, और हीरा और चांदी का तो नाम है छोड़िए, आपका चांदी कौन वहाँ पूछ रहा है।
तो फिर एक बार आगे बढ़ा जाए भाई आपका, यानी कि दो आपका सामाजिक पहलू भी थोड़ा थोड़ा देखना है कि दहेज ना लीजिए वो भी समाज में एक समस्या, दहेज ले लीजिए तो समाज कहेगा कि बहुत बड़ा दहेजू हो गया है, इतना दहेज ले लिया, अब किया क्या जाए, ना 3 में ना 13 में, अब समस्या ये समाज की है। अगला नियम देखिए, नहीं कोई नहीं, देखिए आगे भाई कानून अलग है, आपका मन तो अलग है, कानून अलग होता है, अब कानून मन ही काम करेगा तो कानून किस बात का। अगला देखिए आपका, जो कोरिलेट आपको करना है वह आपका डावरी डेथ से करना है, यानी कि इसी दहेज के लिए जो इस कानून की धारा 2 में डावरी या दहेज दहेज की परिभाषा हम बताएंगे वहाँ से क्वेश्चन एक आने का चांस रहेगा। तो अगर दहेज के लिए स्त्री का मर्डर किया जाता है और विवाह के 7 वर्षों के अंदर, तो इसके लिए IPC 1986 में 304B धारा जोड़ी गई डावरी डेथ, इसके लिए एविडेंस में 113B जोड़ा गया आपका दहेज हत्या के बारे में प्रिजम्पशन या कल्पना या उपधारणा, लेकिन ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के अंदर होनी चाहिए। तो दो एंगल ये देखना है। तीसरा एंगल आपका मुस्लिम लॉ में देखना है, मुस्लिम लॉ में थोड़ा हल्का समझिए, मुस्लिम लॉ में विवाह कैसे होता है, एक पक्षकार इजब या प्रपोजल या प्रस्ताव करता है, दूसरा पक्षकार कबूल या एक्सेप्ट या स्वीकार करता है, और यह एक ही समय में एक ही बैठक में सेम टाइम सेम सिटिंग में होता है, तो हम कहते हैं कि जैसे ही कबूल आया शब्द वैसे ही विवाह क्या हो गया, पूर्ण हो गया। पैगम, अब देखिए आपका पैगंबर साहब के पहले विवाह नामक संस्था का अभाव था, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, पुरुष जब चाहे तब महिलाओं को त्याग कर सकता था, लेकिन पैगंबर साहब ने महिलाओं को उत्तराधिकार में संपत्ति में स्थान दिलवाया और एक आपका डावर या मेहर का प्रावधान किया कि जब किसी स्त्री का विवाह पुरुष से होता है तो पुरुष कुछ धन स्त्री को देता है, तो आपका विवाह के आवश्यक परिणाम के रूप में, और उसी को मुस्लिम विधि में डावर या मेहर कहा जाता है। मेहर यहाँ तक महत्वपूर्ण है कि अगर मेहर का निर्धारण विवाह के समय नहीं किया गया है तो न्यायालय मिसले ए मेहर, उचित मेहर या प्रथागत मेहर या मिसले मेहर दिलवाता है, यानी कि जो उचित हो, भले आपका मेहर की रकम निर्धारित न हो, न्यायालय मिसले ए मेहर या उचित मेहर दिलवाता है। ये विवाह का आवश्यक परिणाम होता है, ये पति की जिम्मेदारी है, पति का पत्नी का अधिकार है, और अगर आपका मुअज्जल और मुअज्जल 2 प्रकार का मेहर होता है, इस पर पत्नी पूर्ण स्वामनी होती है, तमाम अधिकार है। अब समस्या ये आई कि क्या ये जो डावर है क्या इसे डावरी दहेज माना जाए कि नहीं, तो मुख्य विवाद आपका दोनों सदनों में इसी बात को लेकर था, मुख्य विवाद कि मेहर को दहेज की संज्ञा दी जाए कि नहीं, अगर दे दी जाती तो जो पति मुस्लिम विधि में अपनी पत्नी को मेहर देता वह इस कानून के दायरे में आ जाता, अतः कानून में ये कहा गया कि जो ये मुस्लिम विधि में मेहर की रकम है ये डावरी नहीं मानी जाएगी, ये दहेज नहीं माना जाएगा। तो दहेज और कब कब नहीं माना जाएगा, तो अगर विवाह के समय एट टाइम, पहले बाद में नहीं, अगर विवाह के समय पति या पति के नातेदारों द्वारा पत्नी या पति के पत्नी या पत्नी के नातेदारों को कोई गिफ्ट दिया जाए तब भी आपका में
दहेज नहीं, और पत्नी या पत्नी के नातेदार द्वारा पति या पति के नातेदार को दिया जाए, लेकिन किस समय ये दिया जाए, आपका विवाह के समय गिफ्ट दिया जाए, तो वह दहेज नहीं माना जाए। यानी कि कुछ अपवाद जरूर हैं, आपका वो तो डिटेल में चलेंगे। अब दहेज के रूप में क्या क्या दिया जा सकता है, तो आपका कोई धन भी दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति दे सकते हैं, कोई चल संपत्ति दे सकते हैं, कोई अचल संपत्ति। इसको पढ़ते समय आईपीसी में भी कोरिलेट करना पड़ेगा, कम से कम दो धाराएं, मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी धारा 30 में और चल संपत्ति आपका धारा 22। तो इस कानून का देखिए, इस कानून में होगा क्या, लास्ट में एक लाइन में, इस कानून में दहेज की परिभाषा दी जाएगी, दहेज लेना और देना, उसके लिए करार करना, पेपर में छपवाना, ये सब दंडनीय बनाया जाएगा। अगर पति ने दहेज ले लिया तो एक समय निर्धारित किया जाएगा 3 माह, कि वह पत्नी या पत्नी के उत्तराधिकारियों को दहेज की संपत्ति या रकम क्या करे, वापस नहीं करता है तो कानून करवा देगा, सजा भी वह पाएगा। और विज्ञापन इत्यादि कराना दहेज के लिए क्या है, तो विज्ञापन देखा जाए, जैसे कि इस समय तो इंटरनेट का जमाना है, आपका सोशल मीडिया का खूब फ्रॉडगिरी भी हो रही है। अभी पेपर में भी निकला था कि एक फ्रॉडिया थे बबली बंटी, वह लोगों को जाल में फंसाते थे विवाह के, और 2-4 लाख लेकर अपना सिम बंद करके फरार हो जाते थे, फिर इंटरनेट पर फोटो डालते थे, पकड़े गए। अभी आपका कई लोगों को चूना लगा चुके हैं और कई लाख करोड़ों रुपया आपका कह सकते हैं कि कमा चुके हैं। एक दिन पेपर में आया था कि 36 लाख रुपया एक सेना का रिटायर अधिकारी था, एक आदमी को दे दिया था, आपका कि तंत्र मंत्र कुंडली में दोष है, ये दोष हम तुरंत दूर करेंगे, तो तुरंत आपकी बिटिया का क्या हो जाएगा विवाह, जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ रफू चक्कर, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके। तो ऐसी ऐसी तो आप लोग कम से कम इस चक्कर में ना पड़िए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अब आप अगर सोशल मीडिया पर ऑफर आता है या पेपर में रविवार को निकलता है, तो जो लोग हैं कई लोग तो पहले वहीं देखते हैं कि सुयोग्य वर चाहिए, तो सुयोग्य अयोग्य नहीं, कैसा सुयोग्य वधू चाहिए। तो आप क्या कभी भी देखे हैं कि दहेज की मांग के लिए निकला उसमें कितना दहेज लेंगे तब विवाह करेंगे, क्यों, क्योंकि दहेज लेने का सोशल मीडिया या पेपर में प्रचार करना इसी कानून के तहत क्या बना दिया गया है, दंडनीय। आप ऑफर नहीं दे सकते कि हम दहेज लेंगे इतना, आइए दहेज दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सोशल मीडिया पर आया, पेपर में आया, ये कानून तुरंत क्या हो जाएगा, अप्लाई, और ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा भाग। लास्ट में अपराध समनी होंगे कि असंगे होंगे कि संगे होंगे, थोड़ा सीआरपीसी में जाना पड़ेगा कि जमानती होंगे कि अजमानती, और अंत में एक अधिकारी आ जाएंगे, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जिनका कर्तव्य होगा कि लोगों को जागरूक करें कि दहेज न लें, दहेज न दें। कानूनन तो हैं, लेकिन कभी भी समाज में ये दिखाई, भाई अधिकारी बन गए, बैठा है ऑफिस में, और जबकि उसका कर्तव्य है कि गांव-गांव घूमकर लोगों को क्या करे, तो आपका सरकारी कर्मचारी है, सरकार पैसा दे रही है, तो जिस प्रकार टीचर ज़्यादा हैं, कौन पढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसे भी कोई दहेज रोकने की आवश्यकता नहीं है, अपना पेमेंट पा रहा है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कराया जाएगा, उसके कर्तव्य और शक्ति पूछ सकता है, और अंत में राज्य सरकार नियम बना देगी, इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए नियम और कानून क्या हो जाएगा, समाप्त। तो कल आपका कानून शुरू कर दिया जाएगा, सामान्य बातें लगभग बताई गई, जो और छोटी छोटी कब बना, आपका एक्ट नंबर क्या है, प्रवर्तन तिथि क्या है, विस्तार क्या है, कल से शुरू किया जाएगा।
एक सामान्य बात बताई गई, मैंने आपका अभी सकता है क्वेश्चन वही संयुक्त बैठक वाला, तो कल डेट वाइज इत्यादि बताया जाएगा। एक तो भूमिका हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि स्वेच्छा से नहीं भाई, स्वेच्छा से दे जाते हैं जबरदस्ती दें। अगर विवाह के समय, फिर एक बार याद रखे, उसमें भरमना नहीं है, अगर विवाह के समय, जिस समय विवाह रहा उस समय स्वेच्छा से दे रहे हैं, वो भी हैसियत के अनुसार, वो भी लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट से बाहर न जाए, तब आप दहेज लेने देने में दोषी नहीं होंगे। तो भले स्वेच्छा से दिया जाए, आप दंड के भागी होंगे, उसमें कोई ये नहीं।